देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक WWE के आज हुए स्मैकडाउन का मेन इवेंट नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं, और WWE स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर WWE के अंदर हमें सोलो सकुआ एक्शन में देखने को मिले, जहां पर स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर सोलो सकुआ आज हमें सीमस को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज बात करें यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज आज स्मैकडाउन के ऊपर हमें सीमस और सोलो सकुआ के बीच में 15 मिनट का जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर क्राउड सीमस को पूरा सपोर्ट कर रही होती गए। और गाइस ज्यादा टाइम पर इस मैच के अंदर सीमस इस मैच को डोमिनेट भी करते गए, बट गाइस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर सोलो सकुआ सीमस पर अटैक करते हुए सीमस को रिंग साइड एरिया पर फेंक देते गए। और गाइस सोलो सकुआ सीमस पर स्पीयर हिट करते हुए बैरिकेड के ऊपर से फेंक देते गए, जिसके बाद के रेफरी इस मैच को नो कॉन्टेस्ट की वजह से बंद कर देता है। बट गाइस यहां पर मैच के ओवर होते ही उसूज अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए, और गाइस उसूज सोलो सकुआ के ऊपर अटैक करते हुए सोलो सकुआ पर सुपर किक हिट करते गए, जिसके बाद कि उसूज पॉल हेविन को भी धमकाने की कोशिश करते गए। और गाइस यहां पर जैसे ही सोलो सकुआ दोबारा उठते गए, तो गाइस उसूज सोलो सकुआ के ऊपर बैक टू बैक एक और सुपर किक हिट करते गए। और गाइस आज स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर उसूज ने रोमन रेंस को तगड़ा मैसेज दे दिया है, क्योंकि गाइस उसूज ने रोमन रेंस के ब्रदर सोलो सकुआ को पेल दिया है।